अटैक। करवा चौथ का समय है, ईशानी तो करवा चौथ करना चाह रहे, लेकिन मिलन या कहे रणवीर, हाँ मिलन ये सब सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, और वो नहीं चाहता कि शानी करवा चौथ का व्रत रखे और फिर उससे सब शाम को रस्म करनी पड़ेगी, सो उससे सब तमाशे में घुसना नहीं है, तो इसलिए वो उसका व्रत तोड़ने की कोशिश करता है कि व्रत टूट जाएगा तो बेटर है, सब रस्म उसको सब बोरिंग लगते हैं, तो कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है, क्योंकि शानी से कह देती है कि मैं ये सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ और तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तो फिर मैं उस बात को घुमा देता हूँ, मिलन उस बात को घुमा देता है ये कहते हुए कि अरे मैं तो सिर्फ चाह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो, और वैसे भी बहाने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो कि तुम अगर नहीं रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा, तो फिर उसको इमोशनल में ब्लैकमेल करके वहाँ से भाग जाता है। मतलब मिलन जो है काफ़ी आसानी से अपना काम करते जा रहा है। हाँ वो रणवीर की बैंड बजाने की कोशिश कर रहा है हर तरीके से, पर आरवी भी चुप नहीं बैठेगा, अभी आरवी भी अपने नींद से जागेगा और ही कम बैक। हाँ मैंने उसको कहा है कि चलो हम दोनों मिलके साथ में व्रत रखते हैं और जब चांद निकलेगा तो भरपेट खाना खाएंगे, पर आई एम श्योर मिलन तो ऐसा कुछ करने वाला है नहीं, वो तो डेफिनेटली खाएगा, भूखा आदमी है वो और सारे रस्मों में बिलीव नहीं करता, तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि ईशानी रख रही नहीं रख रही है, वो वैसे भी उसे प्यार नहीं करता है, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू हिम, सिर्फ दिखावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। मिलन को ईशानी टाइप की लड़कियां पसंद ही नहीं आती, तो अभी फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं है, आगे जाके हो सकता है लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन यहाँ तो आपकी ईशानी जो है, मतलब रणवीर की ईशानी जो है, उनको तो रणवीर के टच से ही पता चल जाता है वो रणवीर है। हाँ तो इसलिए कभी टच किया नहीं ना अभी तक मैंने उसको, तो टच करूँगा तो शायद पता लग जाएगा, अभी तक तो दूरी मेंटेन करके रखी है। बेसिकली मिलन नहीं चाह रहा था कि ये व्रत रखे बात हो गया व्रत के होता है, तो इसलिए उसका व्रत तोड़ना चाहता था, क्योंकि वो सब ड्रामेबाजी चाहता नहीं था कि चांद के सामने छन्नी लेके सब देखे, तो फिर ये एकदम सडनली भटक जाती है, तो फिर मिलन भी डर जाता है कि भाई सबसे सामने फूल ना खुल जाए, तो वो थोड़ा सा कवर अप कर देता है, ठीक है तुम रख लो। हाँ ऑफ कोर्स, लाइक अजीब बहुत लग रहा है मुझे, बहुत हर सीन में ही मुझे अजीब लग रहा है, मुझे घबरा लग रहा है कि आदमी पोपट है इसका, तो फिर इसके बाद बट यहाँ मुझे अजीब लगता है, मैं तभी उस एक्सप्रेस भी कर देती हूँ ऑन द स्पॉट कि लुक ये क्या बकवास हो रही है, कि मैं हमेशा तेरे लिए व्रत रखती हूँ, तेरे को पता है मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सो व्हाई यू डूइंग दिस, तो ऐसे घबरा के सोते अरे नहीं मैं तो कुछ ऐसे बोलो तो मैं तो मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो इट गेट्स सॉर्टेड कहीं ना कहीं, मिलन की फूल भी जाएगी, कैसा लगता है पता नहीं अभी देखते हैं। चांद देखने के वक्त मुझे लगता है काफी कुछ ड्रामा हो ही जाएगा, जैसे ऑफ स्क्रीन जो सुनते हैं चलो चलो।